नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, यूएई ने भी भाई काफी कड़े कदम उठा रही है और कोविड इसका मेन रीजन बताया जा रहा है, मेन मुद्दा कोविड है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूएई की बात करें तो लगभग आज 2 महीने से 1,200-1,300 के करीब पर डे मरीज मिल रहे हैं, वो ही मिल रहे हैं, कम नहीं हुए हैं। जी हाँ साथियों, हालांकि यूएई सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन को ओपन कर चुकी है, वहां पे पूरी सिस्टम से सिर्फ मास्क लगाना है, बाकी पूरा सिस्टम जैसा पहले था वैसा दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएई में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है यात्रियों की, क्योंकि कुवैत के वीजा बंद, फ्लाइटें बंद, सऊदी की फ्लाइटें बंद, और भी बहुत सारी यूरोप कंट्री के, तो टोटल लोग है ना जो यूएई दुबई से होके वहां पे रह के 14-15 दिन फिर वो दूसरी कंट्री की तरफ मूव करते हैं। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि यूएई सरकार ने जो घोषणा की थी 13 कंट्रियों के वीजा बंद करने की, हालांकि ये न्यूज 19 नवंबर की है, मैं आप लोगों के साथ अभी ये शेयर कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम होने की वजह से मैं जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची है उनको कम से कम पता लगे इस बात का। जी हाँ, तो कोविड को देखते हुए इस भीड़ भाड़ को रोकने के लिए मुझे जहां तक लगा है कि इन लोगों को 13 कंट्रियों पे वीजा अभी बैन कर दिए अस्थायी तौर से। विजिट वीजा की हम बात करें, और भाई परमिट वीजा तो पहले से बंद थे, विजिट वीजा अब बंद कर दिए, तो मैटर खत्म ही हो गया ना। फिर मैटर रहेगा कौन सा, फ्लाइटें कौन सी आएंगी कौन सी जाएंगी, वर्क परमिट वाले कौन सा क्या है, फिर मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये सरकार ने ऐसा क्यों किया। लेकिन भाई जो उनका फैसला मानना पड़ेगा जो भी है, लेकिन इसमें फायदा हमारे लिए है कि इंडियन लोगों के ऊपर विजिट वीजा बैन नहीं किया गया। जी हाँ, इंडियन वीजा बैन नहीं किया गया, सिर्फ 13 कंट्री को बैन किया है कोविड को देखते हुए। जी हाँ, तो भाई कोई बताते हैं कुछ बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, अब वो तो देखो राजनीति की बातें हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें बस जो न्यूज है वो बतानी है कि भाई 13 कंट्रियों के वीजा बैन कर दिए, वो कौन कौन सी कंट्री है जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, यमन, सीरिया, तुर्की, इराक, सोमालिया, लीबिया, केनिया और अफगानिस्तान। जी हाँ साथियों, ये 13 कंट्री हैं जो कोविड की वजह से कुछ भी रीजन मान लो इनको बैन, हालांकि ये कंट्रियां कोई महत्व भी नहीं रखती मेरी जहां तक सोच है, इनको बैन कर दिया गया विजिट वीजा को। हालांकि पाकिस्तान के विजिट वीजा बंद करना उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर पाकिस्तान आ रहे थे विजिट वीजा के माध्यम से, लेकिन उनको अस्थायी रोक कर दिया गया। तो मुझे लगता है भाई जनवरी से पहले ये वीजा ओपन नहीं होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है जनवरी से पहले तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। आगे अगर इसको और बढ़ा दे टाइम तो फिर इनके लिए दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वे सरकार ने अभी विजिट वीजा बंद कर रखे हैं, और विजिट वीजा बंद कर रखे हैं, परमिट वीजा पहले से बंद था, तो फिर कोई वर्करों का क्या होगा, जो लोग कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए दिक्कत आएगी, और जो टूरिस्ट रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत आएगी, समझ रहे हो। पहले पाकिस्तान पर कुवैत ने भी बैन लगा दिया था, आपको पता ही है कुवैत ने एक बार वीजा स्टार्ट किए थे पाकिस्तान के, फिर उन्होंने बैन लगा दिया था, क्योंकि हांगकांग वाला जो मेट्रो हुआ था उसमें 30 पाकिस्तानी थे, सबके सब संक्रमित कोरोना पाए गए थे, उसको देखते हुए फ्लाइटों पर रोक लगा दी थी, वीजा पर भी रोक लगा दिया था। जी हाँ साथी, पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी है, उन्होंने ये बताया कि भाई कोविड-19 को देखते हुए वे सरकार ने ये वीजा बंद करने का कड़ा निर्णय लिया है, जिसको हमें मानना पड़ेगा, जिसको अस्थायी तौर से बंद किया है। हालांकि इनके आधिकारिक पुष्टि की वो मांग कर रहे थे, हालांकि आधिकारिक पुष्टि बाद में हो गई थी, क्योंकि ये न्यूज तो 19 नवंबर की है। ये भी मांग थी कि भाई जो 19 नवंबर से पहले जो ये वीजा बंद हुए, उससे पहले जो वीजा निकले थे हजारों की संख्या में, उनका क्या होगा, क्योंकि वो वीजा तो निकल चुके हैं, तो वो तो निकलेंगे, निकल जो चुके हैं वो तो जाएंगे, पाकिस्तानी हो चाहे कोई भी हो, वो तो सब लोग जा ही रहे हैं, बाकी जो आगे जैसे जिस दिन घोषणा हुई उसके बाद जो वीजा स्टॉप हुए हैं उनके ऊपर अस्थायी तौर से रोक लगा दी गई है। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।